नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई लखन सिंह में। दोस्तों चलो अभी हम सिंपलीफिकेशन का पार्ट टू देखेंगे। इससे पहले देखो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि बहुत सारे चैप्टर जो अभी तक हो चुके हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एवरेज है, उसके बाद में साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और लासा मासा है, और उसके बाद में अभी सिंपलीफिकेशन का पार्ट टू चलेगा आज, ठीक है। और ये सभी चैप्टर मतलब जो मैंने बताए ये कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाई लखन सिंह जो चैनल है यूट्यूब पर, उसमें प्ले लिस्ट में सभी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हो आराम से। और बाकी देखो, इस चैप्टर इस जो भाग दो है इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखो दोस्तों क्या है कि जो सिंपलीफिकेशन का भाग एक था उसमें एक मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक हुई थी, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें एक 58 इंटू 56 इंटू 49 वाला, इसमें क्या किया था मैंने, देखो यहाँ पर 58 का जो डिजिटल सम निकालेंगे तो हम 8 और 5 14 होता है, 8 और 5 13 होता है, तो 13 में से 9 निकल जाएंगे, बचेंगे 4, तो इसका डिजिटल सम यहाँ पे 4 होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 3, तो इसके चक्कर में जो आंसर आया है वो थोड़ा गलत आ गया है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 ये हो जाएगा इसका 2, इसका 4, ठीक है, तो 64 16 2 32 हो जाता, तो 24 की जगह कितना हो जाता 32, और 32 का डिजिटल सम तीनों तो 5, 5 हो जाता, तो मतलब 5 हो जाएगा इस पूरे का डिजिटल सम। तो अब इस ऑप्शन में जिसका भी 5 होगा उसी को हम देख लेंगे। देखो उसके जो 6 आ रहा था उसके हिसाब से हमारा आंसर ये था, अभी हमको 5 चेक करना है। देखो 9 से 9 गया, देखो 5 और 5 10, 10 में से 9 गए तो एक बचा, एक और एक दो तीन चार और एक जो शेष बचा 5, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन अभी आ जाएगा सही, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 15 91 52, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 15 91 52। दोस्तों जो पार्ट वन है उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया था तो इसमें ये मिस्टेक हुई थी, इसको मैं अभी आपको सुधार के बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए दोस्तों, हम इस भाग दो में सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालना है, निकालना तो सब सबको आता है लेकिन जल्दी कैसे निकालना है ये हमको सीखना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, देखो 1 से लेके 20 तक वर्गमूल या फिर उनके वर्ग कम से कम हर व्यक्ति को याद रखने चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो रहना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो भी 20 से ऊपर आते हैं उनको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ वर्गमूल है, वर्गमूल सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, वर्गमूल सीख रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्क्वायर रूट, क्या सीख रहे हैं मैं स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए इसमें नोट में मैंने आपको लिख के क्या बताना चाहा, देखो ये पे एक दिया है, एक यूक्ल टेक, देखो एक का स्क्वायर करेंगे, एक का अगर वर्ग आप करेंगे, एक का और 9 का दोनों का, देखो एक का वर्ग करेंगे तो वर्ग उसका एक ही आएगा, ठीक है, और 9 का 81 आएगा, 81 आएगा, 9 का 81 और एक का एक, देखो दोनों के वर्ग में जो पीछे वाली संख्या मतलब यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है वो एक ही है, एक के में भी एक है और 9 के वर्ग में भी एक ही है, 9 का वर्ग 81 उसमें भी एक है और एक के में भी एक है, और दोनों को अगर जोड़ दें तो 10 हो रहा है, ठीक है, ये बात बताऊँगा। देखो अभी 2 का वर्ग 4 होता है और 9 का वर्ग सॉरी 8 का वर्ग 8 64 होता है, तो 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में भी यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है पीछे, ठीक है। और 5 के वर्ग में कितना आता है, 25, 5 के में 5 ही आता है, तो 5 के में हो गया 5। उसके बाद देखो 6, 6 किस 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 के में आता है, 6
609 एक के में नहीं आएगा, 2 3 9 चार के में आएगा पहले तो, ठीक है। 16 होता इसका, चार के में आ जाएगा, चार और छः के में भी आता है, 6, छः के में आ जाएगा 6, ठीक है। नौ, नौ आता है देखो, 3 के में और 1 7 के में आता है। 4 का वर्ग 16, 16 में आ गया। 6 का वर्ग 36, 6 36 में भी आ गया 6। 3 का वर्ग 9, 9 आ गया। 7 का वर्ग 49, 49 आ गया, ठीक है। और इनको जोड़ते तो 10 आता है देखो, 6 और 4 10 और 7 और 3 10। ये 10 मैंने जोड़ के इसीलिए दिखाया कि आपको ये कम से कम ये संख्याएं याद रहें कि 1 और 9 10 होते हैं, तो इन दोनों का वर्ग में इकाई के अंक पीछे एक होता है, और 2 और 8 10 होते हैं, तो 2 और 8 दोनों के वर्ग में एक इकाई का अंक 4 होता है, और 4 और 6 में 6 होता है, 7 और 3 में 9 होता है। इस मतलब इन दोनों का, इन सब का योग मतलब टोटल 10 होता है, इसलिए आपको याद रहे इसे। और 5 के में तो 5 ही रहता है, ठीक है। बाकी बचा कितना, कौन कौन सा बच गया जो नहीं रहता? देखो, एक आ गया, एक आ गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया और 8 बच गया। ये संख्याएं 4 ऐसी, 2 3 7 8। अगर ये किसी संख्या में पीछे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पक्का कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आपको समझाऊंगा, देखना, ठीक है। तो इस चीज को आप समझें, ठीक है। अगर अभी नहीं, अगर समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना और समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा, जो नीचे दिया हुआ। देखो, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं ऑप्शन में, मतलब ये संख्या एक है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी। इन 4 संख्याओं में उसने पूछा है कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब ये है। अब देखो, हमको क्या करना, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं। अगर पूरी संख्या का वर्गमूल निकालने आप बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, देख लो भी आप भी, ठीक है। कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट देखना, इकाई का अंक देखिए। पीछे में 5 है तो 5 यूनिट डिजिट होता है, पक्का होता है, किसने कहा 5 का, तो ये हो सकती है पूर्ण वर्ग, पक्का हो गई, ठीक है। इसमें 6 है तो 6 भी होती है, इसमें 5 है तो 5 होती है, इसमें 2 है लेकिन 2 किसी का नहीं होता पूर्ण वर्ग, ठीक है। पीछे डिजिट क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या के पीछे मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 है तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो सीधा देखते ही आंसर मार देंगे, ठीक है, ऐसे होगा। अगर मान लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, एक चीज अलग है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, मान लो देखिए, 4 संख्याएं दी हैं, 75 625, 30 976, 29 561 और 20 164। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब देखिए, इसमें 5 है तो 5 भी होती है, 6 6 भी होती है, 1 1 भी होती है, और 4 4 भी होती है। अब क्या करेंगे, अब इसमें तो यूनिट डिजिट से तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो भी संख्याएं पीछे दी हैं वो सभी पूर्ण वर्ग होती हैं किसी न किसी का पीछे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तो ये 4 संख्याएं दी थी और 4 में से 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग थी और 1 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं थी, और पूछा था कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने पीछे वाले जो डिजिट क्या बोलते हैं, इकाई का अंक देख के हमने टिक कर दिया 2 पे, ठीक है। इसमें क्या दिया उसने, 3 संख्याएं जो पूर्ण वर्ग दी हैं, 3 संख्याएं जो पूर्ण वर्ग दी हैं और 1 संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और वो संख्या कौन सी है वो उसने पूछा है। तो देखो, इसमें हम इकाई का अंक देख के निकाल नहीं सकते। देखो, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6 और 5 है, ये 4 संख्या ऐसी हैं जो किसी ने मतलब पूर्ण वर्ग में पीछे रहती हैं। देखो, 5 5 के वर्ग में रहती है, मतलब 5 हो 15 हो 25 हो 35 हो, इन सब के वर्ग में पीछे 5 रहती है, तो ये हो सकता है आराम से। ये 6 पीछे तो 6 जो 36 मतलब 6 है जो 4 के वर्ग में रहेगी, देखो 4 के में 6 के में रहती है 6,
एक भी रहती है, एक के में नौ, एक के में और नौ, नौ के में, ठीक है, और चार भी रहती है, दो के में और आठ, आठ के में चार रहता है पीछे। तो हमको ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो उसका देखो क्या क्या करना है हमको, इसका फिर वर्गमूल निकालेंगे तो हम बहुत टाइम लगेगा, ऐसे हमको नहीं करना है। देखो क्या करना है इनका, इसको हम सॉल्व करेंगे डिजिटल सम से, फिर दोबारा से देखो डिजिटल सम से निकालेंगे। और आपको एक चीज़ याद रखना है थोड़ा सा, देखो 1479 ये चार नंबर है, मतलब अगर डिजिटल सम एक आए या चार आए या सात आए या नौ आए, ठीक है, तो क्या होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, देखो ये आपको इसको भी याद करने की एक ट्रिक समझा देता हूँ, वैसे ही याद रखने के, देखो इन दो, इन सब संख्याओं में दो दो का अंतर रहता है, एक के बाद दो और तीन मिस रहेगा, फिर चार आ जाएगा, पाँच और छः मिस रहेगा, सात आ जाएगा, ठीक है, और एक आठ मिस करके नौ आ जाएगा, ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब इनका हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिजिटल सम में इसका हम निकालते हैं कितना हो रहा है, देखो सात, सात और दो नौ हो गया, ये खत्म, छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह में से नौ के से दो बच गए और पाँच ही है, तो ये इसका कितना आ गया, सात आ गया डिजिटल सम, नौ कट गया, अब छः और तीन नौ कट गया, ये बच्चा कितना, इसका भी सात आ गया, तो मतलब इसका सात है, इसका सात है, इसका मतलब सात है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अब इसको देखते हैं, नौ कट गया, छः सात आठ नौ, नौ कट गया इसका, पाँच है ये, पाँच नहीं, इस पाँच इसमें नहीं, इसका मतलब है पाँच डिजिटल सम है इसका, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, इनके योग मतलब इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अब इसका देखो छः सात आठ नौ, छः सात आठ नौ, बच्चा कितना, चार, चार भी इसमें, मतलब क्या है कि ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये चार। इसको समझाने में दोस्तों आपको टाइम लग रहा है मेरा, लेकिन बट क्या है ना, ये क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं है, आप अगर इसका प्रैक्टिस है आपको तो मुश्किल से इसमें आपको लगना चाहिए 10 सेकंड, ठीक है, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। अभी देखिए नीचे में एक मल्टीपल दिया है, उसका वर्गमूल पूछा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन को देखिए, अनरूट में दे रहा है 1 प्लस 90 इंटू 91 इंटू 92 और इंटू 93। अब देखो 90 का गुणा 91 में, फिर 92 में, फिर 93 में, उसका गुणा करके एक जोड़ना, फिर उसका वर्गमूल निकालना है, तो कितनी टेढ़ी खीर हो गई। ठीक है, इसको भी हम करते हैं डिजिटल सम से, देखो कितना फास्ट होगा क्वेश्चन, नौ गया नौ गया नौ गया नौ गया, क्या हो जाए, 3 2 1 0, अब जीरो बचा तो ये सबको जीरो कर देगा, 3 6 6 6 × 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली वन, डिजिटल सम कितना आ गया इसका, वन। अब इसमें से जिसका भी वन डिजिटल सम होगा उसको देख लेंगे, देखो 8 और 1 9 गए दोनों, 7 और 3 10, 10 में से 9 9 गया, बचा कितना, एक, आंसर आ गया हमारा एक। ठीक है, इन तीनों को करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया एक, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37 71 हो गया सॉल्व, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बहुत अच्छा मेथड है डिजिटल सम हमारे लिए दोस्तों, इसको पक्का सीख लो आप। ठीक है, अगर आपको इस सेशन में कुछ मिल रहा है दोस्तों, तो लाइक वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी अभी हम सीखेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना कैसे है, ठीक है, वर्गमूल निकालना भी हम सीखते हैं अभी दोस्तों। अभी देखिए, अभी ये हमारे सामने है कुछ संख्या है, इनका हमको निकालना है वर्गमूल। देखो क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को आप सही से डीपली समझ लेना, वो आराम से फिर आपकी समझ में आते ही जाएंगे। देखिए इस संख्या का मान लो 324 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल हमेशा पीछे वाली दो संख्याओं को लो पहले, ठीक है, 24 को ले लिया, और 24 में देखो एक जोड़ा ले लिया हमने 24 का, अब 24 में देखो पीछे क्या, चार, अब चार है, अब हमको ये देखना है कि किस संख्या, किन किन संख्याओं के बीच में, किन किन संख्याओं का इकाई का, किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक चार होता है, ये देखना है वो, जो कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक चार होता है। देखो चार किसका होता है, एक तो दो का होता है, दो का वर्ग का कर देंगे तो चार हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक किसका होता है, 2 और 8 10,
एक आठ का होता है, 8 64 होता है, 64 का भी 4 होता है पीछे, ठीक है। तो 2 और 8 हो गए, यहाँ तक हमारा मैटर क्लोज हो गया। अभी आ गया 3। अब 3 को हमको ऐसे देखना है, 3 है जो किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। 3 है ना, 3 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, देखो 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 और 4 के बीच में 3 आता है, ठीक है। तो 1 के वर्ग के और 2 के वर्ग के बीच में 3 आता है, तो छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, 1 से 2 बड़ा है तो 1 को ले लेंगे छोटा वाले को, ठीक है। 1 यहाँ 1 यहाँ, तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन आ गए, या तो इसका आंसर 12 होगा या इसका आंसर 18 होगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो 1 आया है ना, ये 1 आया है, इससे अगली संख्या का इस 1 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 में मान लो अगली संख्या 1 की कितनी होगी, 2, तो 1 गुणा 2 किया हमने तो कितना आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया ना। अब इस 2 का कंपैरिजन हमको कहाँ से करना है, ये 3 बचा है जो इससे कंपैरिजन करना है। अगर ये 2 बड़ा है, अगर ये 2 बड़ा है तो आंसर छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब इन दोनों में छोटा कौन सा, 12 हो जाएगा। अगर ये 3 बड़ा है, मतलब ये अंडर रूट में जो आगे वाली संख्या, ये वाली संख्या बड़ी है, तो आंसर 18 हो जाएगा। रियल में ये 3 बड़ी है 2 से, तो आंसर 18। अगर ये बड़ा होता, इस ये वाला छोटा होता, तो आंसर ये हो जाता, ठीक है। ये भी नहीं होगा, आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोबारा से समझ लो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉरी ये क्या बोल रहा है, देखो अंडर रूट में दिया है 4489। अब देखो पीछे से एक जोड़ा ले लिया हमने 89 का, अब इसमें 9 है ना, 9 को देखना है, ये 9 किस संख्या के वर्ग के पीछे आता है। एक तो 3 के पीछे आता है, 3 * 9 होता है, एक 7 के पीछे आता है, 7 * 7 = 49 होता है, 7 * 7 = 49, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, अभी क्या बच गया, अब इसको ले लो 44। अब 44 में देखो, ये 44 संख्या है जो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। 6 * 36 7 * 7 = 49, 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है 44, ठीक है। 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है 44, ठीक है। और छोटी संख्या को ले लेंगे, छोटी संख्या को कौन से समय, 6 6 ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 63 63 और 67, इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा। अब इन दोनों में से निकालने के लिए क्या करते हैं, वही इस 6 लिया है, इससे एक अगली संख्या क्या होगी, 7, और 6 का गुणा 7 में कर दो, 6 गुणा 7 करना 42। अब 42 हो गया, अब 44 का और 42 का कंपैरिजन कर लो, अगर 42 बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या, और 44 ये नीचे में ये वाली संख्या बड़ी है तो छोटी वाली संख्या, अब बड़ी संख्या कौन सी, 44 है इसमें, तो क्या आंसर हो जाएगा, 67 हो जाएगा इसका आंसर। तो 44 89 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 67। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 5184 ये संख्या दी है, 5184 इसका वर्गमूल पूछा है, वो सेम 84 ले लेंगे एक जोड़ा पीछे से, और इस 4 को देखो, 4 किस किस के वर्ग के पीछे आता है, 2 के और 8 के आता है सेम, ठीक है, 2 के और 8 के पीछे आता है। अभी बचा कितना, 51। अब 51 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है, 7 * 7 = 49, 8 * 2 = 64, 7 के वर्ग के और 8 के वर्ग के बीच में आता है 51, ठीक है। तो छोटा वाला ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 7 यहाँ लगा देंगे, 7 यहाँ यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास आगे 2 ऑप्शन, या तो इसका आंसर 72 होगा या इसका आंसर 78 होगा। अब इसमें से निकालने के लिए वही सेम क्या करेंगे, जो 7 है आगे वाला 7 है, इससे अगली से गुणा इसमें कर देंगे, 7 * 8, 8 * 7 = 56। अब 56 का और 51 का कंपेरिजन कर लेंगे, देखो 56 और 51 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली नीचे वाली, तो छोटा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, 72 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और 51 होता बड़ा तो ये हो जाता आंसर बड़ा वाला, ये सेम है। अभी चलिए नेक्स्ट, इसमें दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 1 0 7 6 सॉरी दोस्तों, चलो इसमें ले लो, ये जोड़ा ले लिया हमने, थोड़ा सा आपके लिए, हाँ देखिए 51 0 7 6 ले लिया, 7 6, अब 6 किस किस के पीछे पीछे आता है,
चार चौक 16, चार में आ गया और छः में आ गया, छः चंग 36। अब देखो बचा कितना, 510। अब 510 को देखो किस किस के वर्ग के बीच में आता है 510। 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529। हाँ 22 और 23 के बीच में आ रहा है, ठीक है। कितने मारा, 22 और 23 के बीच में आ रहा 510, 22 के वर्ग और 23 के वर्ग के बीच में आ रहा कितना 510। तो छोटा वाला ले लेंगे 22, तो इसको ऐसे लिख लो 4 6, तो इसके आगे 22 लगा दे, इसके आगे भी लगा दिया 22। तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो इसका आंसर 224 होगा इसका, या फिर इसका आंसर 226 होगा। अब देखो अब चेक करने के लिए ये हमने इसके आगे क्या लिखा था, 22। 22 से एक अगली संख्या कितनी है, 23। 22 × 23 कर लो, 22 × 23, 23 × 2 = 46, 4 × 23 = 46, और 4 = 50, 506, 506 आ रहा है। अब 506 आ रहा है, 506 का 510 से 10 से करो कंपैरिजन, जो संख्या बड़ी होगी उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। कौन सी संख्या बड़ी है, 510, तो इसमें से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा कितना, 226 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 226। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये आ रहे होंगे दोस्तों। इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, अभी आप आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। 4096 वाला है ना, 4096 में देखो फिर सेम 96 का ले लो, क्या लेंगे इसमें से, 6 किस किसके भी ज़्यादा, 4 और 6 में आता है ना, 6 × 36 = 16, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कुछ 40 किस किसके बीच में आता है, 5 × 25 = 36, 6 के वर्ग के और 7 के वर्ग के बीच में आता 40, ठीक। तो छोटा वाला लेंगे, 6 ले लिए, 6 6 6 से बड़ा गुणा 6 × 7 कर देंगे, 7 × 42। अब 42 का और 40 का करो कंपेरिजन, ये बड़ा है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला 64, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये इधर छूट रहा है क्वेश्चन, इसको निकाल लेते हैं, ऊपर कर दिया मैंने ये वाला, इसको निकाल लेते हैं एक बार। इसमें देखो क्या है, 76। 76 में देखो पीछे 6 है तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा, बचा कितना 761। 761 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, अगर आपको वर्ग याद है तो देखो 25 का कितना होगा, 625, 625 से आगे जाओ 676 है ना, 625, 676, 600, ये 700 जाके 729, 27 और 28 के बीच में आ रहा है, देखो 761, 27 और 28 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 27 का वर्ग होता है 729 और 28 का 784, तो 761 है ये, तो 27 आ जाएगा यहाँ पर आगे, ठीक है। तो छोटा वाला लेंगे ना तो 27 लगा देंगे आगे। अब 27 लगा दिया, अब इसका देखो 27 × 28 का कर देंगे, 27 × 28 देखो ऐसे ही कर लो, देखो 70 × 56, 8 × 16, 70 × 18 × 19 = 21, 27 × 54 गुणा कर दो, 6 5 7, 756। 756 बड़ा है या फिर 761 बड़ा है, 756 बड़ा है या फिर 761 बड़ा है, 761 बड़ा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो 51 84, इसको करो छोटा सा, देखो 84 पीछे 4 2 8 आ जाएगा, 51 का 51 किस किस में, 749 और 8 2 64, 7 के वर्ग के और 8 के वर्ग में 64 और 49, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 7 × 8 में कर देंगे, 70 × 56 हो जाएगा, 56 बढ़ा के 51 बढ़ा 56 बढ़ा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, बेहतर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 60 6084। दोस्तों मैं इतने सारे ये क्वेश्चन आपको मतलब इसमें करा के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आपकी समझ में आ जाए, जो भी ये मेथड है आप सीख जाएं, ठीक है, बस इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। चलो 84, 84 में पीछे 4 है, 4 किस किस में होता है, 2 और 8 में होता है,
ठीक है बच्चा। 60, 60 किस किस के बीच में आता है, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है देखो। 8 2 64 ये बड़ा हो गया, 7 और 8 के बीच में होता है 49 और 64, तो 7 ले लेंगे छोटा वाला, ठीक है 7 ले लिया, 7 और गुणा 8 में कर देंगे 7 2 64, 7 गुणा 8 किया ना तो 7 56 हो जाएगा, सॉरी 56। अब 56 बड़ा है कि 60 बड़ा है, 60 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला संख्या जो अंडररूट में संख्या दी है, अगर ये बड़ी निकलती है तो बड़ा वाला रहता है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 09। 9 किस में आता है, 3 में आता है 7 में आता है, क्योंकि 3 3 9 और 7 7 49 दोनों में पीछे 9 आ रहा है। अब ले लो 94। 94 किस किस संख्या के वर्ग के बीच बीच में पड़ता है, 94 9 9 81 और 100, मतलब 9 और 10 के बीच में पड़ता है, तो छोटा वाला ले लेंगे 9 9 9 बड़ा 10 90। 90 बड़ा कि 94 बड़ा, 94 बड़ा तो 97 आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल हो गया, अब यहाँ पे फिनेश, वर्गमूल ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब घनमूल। अब देखो अगर आपकी समझ में वर्गमूल आ गया है तो घनमूल इससे आधा दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं है, वर्गमूल आ गया तो घनमूल तो आ ही गया, ठीक है। अब देखिए घनमूल क्या है, घनमूल में थोड़ा सा आपको इसका वो समझा देता हूँ बेसिक में शुरू से, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें मान लो हम एक का अगर क्यू करते हैं तो कितना आता है, एक आता है, 2 का 8 आता है, 3 का 27 आता है, 27 में पीछे वाला अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। और 4 का 64 आ जाएगा, 64 का 4 रहेगा पीछे, ठीक है। 5 का 125 हो जाएगा, उसमें 5 रहेगा, 6 का 216 रहेगा तो उसमें 6 रहेगा, ठीक है। और 7 का 343 तो उसमें 3 रहेगा, और देखो 8 का 512 तो उसमें 2 रहेगा, और 9 का 729 तो उसमें 9 रहेगा, ठीक है जी। अब देखो ये है, बस आपको क्या याद रखना है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के क्यूब में पीछे क्या कौन सा डिजिट रहता है, बस आपका घनमूल चैप्टर हवा में, ठीक है। बस इतना तो आपको रहेगा, याद ही होगा भाई, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है तो उसमें पीछे 7 रहता है, 4 के क्यूब में पीछे 7 रहता है क्योंकि इसका वर्ग 64 होता है, 5 का 125 है तो 5 रहेगा, 6 का 216 है तो उसमें 6 रहेगा, 7 का 343 है तो उसमें 3 रहेगा, 8 का 512 है तो उसमें 2 रहेगा, और 9 का 729 है तो पीछे उसमें 9 रहेगा, बस ये रखना पीछे, ठीक है। अभी देखो कितना सरल रहेगा, देखो ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, 333 75 है क्वेश्चन, क्या है 33 75, तो घनमूल में, अब देखो वर्गमूल में तो हम 2 लेते थे पीछे से जो जोड़ा वर्गमूल का, अब घनमूल का हमेशा 3 लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है 3 लेंगे। अब 3 ले लिए, 3 में वैसे पीछे 5 है तो 5 की संख्या के घनमूल में पीछे आता है, 5 की संख्या के घनमूल में पीछे आता है, मान लो घनमूल में नहीं घन में, मान लो 5, 125 का घनमूल निकालेंगे, 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मतलब 5 है तो 5 मतलब 5 में ही आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, ओनली एक ही आती है, 5 ही आएगा। देखो एक सभी एक एक संख्याओं के में अलग अलग है सब में, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब में 8 आएगा, 3 के में 7 आएगा। वर्गमूल में क्या था, 2 पीछे एक, एक तो 2 के में आ रहा था, एक 8 के में आ रहा था, 8 2 64 नहीं 2 के में, नहीं 2 नहीं 4, 4 क्या था जो पीछे इकाई का अंक 4 जो आ रहा था वर्गमूल में, उसमें एक तो 2 के वर्ग में 4 आ रहा था, एक 8 के वर्ग में 4 था, तो उसमें डबल डबल था, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ सीधा ये किए, 5 किस में आएगा, 5 के क्यूब में, ठीक है। अब बाकी बच गया 3, अब 3 को देखो किन किन संख्याओं के घनमूल के बीच में आता है, 3, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो इनके बीच में आ रहा है 3, ठीक है। ये जो 3 है इन दोनों एक और 2 के घनमूल के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या ले लेंगे हमेशा, छोटी छोटी कितना, 1 1 ले लिया,
अब हमारे पास ऑप्शन नहीं कि वर्गमूल की तरह के यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, तो इन दोनों में से चूज के हमारा एक आ गया, आंसर हो गया हमारा, बस यही है, कुछ नहीं है, खत्म। इसमें देखो तीन संख्या ले लो, दो किस में आता है पीछे, आठ के में आता है भाई, 512 आठ का रहता है, तो आठ के में तो क्या आ जाएगा, आठ ले लेंगे, ठीक है। बचा कितना, ये तीन हो गए, तीन बच गए। अब देखो 474 किन किन संख्याओं के घनमूल के बीच में पड़ता है, 474, 474 देखो भाई आपका कितने का, पाँच का, 125, तीन का, सॉरी 6 का, 7, 343, 7 का, 8 का, 512, 7 का या 8 के बीच में पड़ रहा है, क्योंकि 7 का 343 हो रहा है और 8 का 512 हो रहा है, ये हो रहा है 774, तो ये 7 के क्यू और 8 के क्यू के बीच में पड़ रहा है, 7 और 8 के क्यू के बीच में पड़ रहा है क्या, 474, ठीक है। तो छोटा वाले ले लेंगे हम, 7 ले लेंगे, आंसर हो जाएगा बस यहीं पे खत्म, 78। इतना ही दिमाग लगाना, बस ज़्यादा नहीं लगाना है, 78 आंसर हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 503 जोड़ा ले लिया, 503 का एक ले लिया, पीछे तीन किस में आता है, 343 मतलब 7 के क्यू क्यू में आता है, 7 आ जाएगा, बचा कितना, 678। 678 को देखो किन किन संख्याओं के घनमूल के बीच में आता है, तो 7 का 343, 8 का 512, उससे भी ऊपर है, 8 का और 9 का 729, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है ये, 8 का क्यू और 9 का क्यू के बीच में आ रहा है कितना, 658, ठीक है, बीच में आया, तो छोटी संख्या ले लेंगे 8, आंसर हो जाएगा 87, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ रहे होंगे। दोस्तों आपको कुछ इससे कुछ नया अलग से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इससे इस चीज़ को सीखने से एग्जाम में टाइम बचेगा, कुछ हमको फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, और उससे क्या होगा आपको और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी दोस्तों बहुत कुछ है, टेंशन नहीं लेना, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, इधर टेंशन नहीं लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी नेक्स्ट टाइप क्या है अभी देखते हैं दोस्तों। अभी देखो हम देखते हैं डिजिबिलिटी रूल्स, मतलब डिजिबिलिटी रूल मतलब किस संख्या में भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे कि दो का इस संख्या में दो का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कि इसमें तीन का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब चीज़, ये इसके चार पांच रूल हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। ये रूल्स को पढ़ने से दोस्तों क्या है, अगर इनको आप कैलकुलेशन में अगर अप्लाई अगर करते हो तो दोस्तों आपको बहुत रियल में आपका टाइम बचेगा, और इसको अपने हैबिट में रखना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ आपको, ठीक है। कैलकुलेटिंग आप कहीं भी अगर आप कर रहे हो तो इन इन रूल्स का याद रखें, ठीक है। ये नहीं कि हम मान लो फर्स्ट वाला है कि दो का भाग किस किस संख्या में जाएगा, और पीछे में सम संख्या है, इकाई का सम संख्या है, तो दो का भाग जाएगा सीधा सीधा, ये दिमाग लगाना। ये नहीं कि उसमें पूरे में तुम दो का भाग देने लग जाओ, ठीक है, बड़ी संख्या है, दो का भाग उसमें दोगे तो टाइम लगेगा ना, सीधा सीधा पीछे की संख्या देख, एक संख्या देख लो, अगर वो सम है तो भाग उसमें जाएगा, कहानी खत्म, दो से उसको भाग करो, अगर नहीं है तो उसको दो से भाग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वही सब है। चलो देखते हैं, डिवाइड बाई टू, दो का भाग किस किस संख्या में जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, उसका रूल देखो, किसी संख्या का यूनिट डिजिट कोई सम संख्या है तो वह दो से डिवाइड होगी, किसी कोई संख्या है उसका अगर एक इकाई का अंक अगर सम संख्या है, ठीक है, या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो रियल में एक सम संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन इस दो का रूल ये है, अगर अगर इकाई का अंक जीरो या दो है, यहाँ पर एक लिख लो 0,2, ठीक है, तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, जैसे देखो तो 20 है इसमें पीछे जीरो तो दो से विभाजित हो जाएगी, जैसे 22 है इसमें दो है पीछे, ये भी हो जाएगी 122, 140, 158, इसमें 8 है तो ये भी हो जाएगी दो से डिवाइड, ठीक है, दो का यही है बस नॉर्मल सब, आपको ये सब पता भी होगा इतना तो। चलो अभी देखते हैं तीन वाला, संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी, मतलब जो भी संख्या दी है अगर उसका योग तीन से विभाजित हो जाए तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। देखो ऐसे सिखाऊंगा दोस्तों कि आपको योग भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, खटाक से आएगा आंसर, देखो
15 है, मान लो संख्या है 15। अब आपको पता नहीं इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या हमको पता है कि अगर उनका योग 3 से अगर कट रहा है, तो अगर उसके योग में 3 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो संख्या में भी 3 से भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें जाएगा 15 में। अभी देखो छोटी छोटी संख्या है तो इनको जोड़ने में देखो दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ दिक्कत होगी, दिक्कत तो नहीं होती है जोड़ में छोटी छोटी संख्याओं, क्या है फिर भी मैं बताऊंगा आपको। देखो 5 और 1 6, 6 में जा रहा है, 6 6 और 4 10, 5 15, 15 में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 6 और 3 9, 9 में जा रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, इनके लिए बताऊंगा। देखो क्या बताऊंगा इनके लिए, देखो यहीं से समझाता हूँ आपको। आपको पढ़ाया था मैंने डिजिटल सम, डिजिटल सम का मतलब मैं क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 पहुंच जाता है तो उसका मतलब 0 हो जाता है, उसका मतलब मानते नहीं, वो खत्म हो जाता है 9, ठीक है। और देखो इसमें हमको देखना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको जोड़ते हैं। देखो 6 और 4 10, 5 15 हो रहा है, हमने जोड़ने से अच्छा हमको क्या करना था, देखो 4 और 5 9 कट गया, कितना बचा 6, और 6 में 3 का भाग देखे, देख लो जा रहा है, बात खत्म, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो 6 और 3 9, 9 9 में 3, 3 का भाग जा रहा है, 6 और 3 9 हो रहे, 9 में 3 का भाग जा रहा है, बात खत्म। या फिर 3 और 6 और 3 9, 9 का डिजिटल सम, 9 का मतलब क्या होता है, 0, 0 में कुछ नहीं, तो मतलब 3 का भाग जा रहा है। देखो अभी देखो आगे, देखो 6 और 3 9 ये गया, 5 देखो 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, मतलब जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। जोड़ोगे तब भी जाएगा, देखो दिखा देता हूँ आपको, 3 और 1 4, 4 और 10 12 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जाता है, ठीक है। वही है, इसको जोड़ने से अच्छा है इसको 9 9 करके सीधा काट दो उसको, ठीक है। 5 और 4 9, कितना बच गया 6 और 1 7, इसमें नहीं जा रहा भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 10 16, 16 में नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 16 है ना, 17 18 है, यहाँ पे एक जगह पे 3 कर देंगे तो हम जाएगा, देखो 5 9 6 6 3 9। अभी देखो ये है, हाँ 6 और 3 9 खत्म, 5 ये कितना, 3 है, कितना है 3 है सर, 3 है, देखो 3 और 3 6, 6 में जा रहा है, ठीक है। 5 और 4 9, 6 और 1 7, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 3 और 3 6, इसमें जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। ऐसे करना सॉल्व, ठीक है, उसमें भाग देने लग नहीं जाना है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ का, उसमें हमको 3 का भाग देना है, तो नॉर्मली हम उसमें 3 का भाग दे के चेक करते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें कुछ नहीं, वही देखना उसका डिजिटल सम निकाल के देख लेना कि भाग जा रहा है कि नहीं जाना, बस, ठीक है, उससे क्या आपका टाइम बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किस 4 का भाग आपको बता रहा है कि 4 का भाग किसके संख्या में जाएगा। किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई संख्या मान लो 574, 74 के पीछे के दो अंक 64 अगर 4 से डिवाइड हैं तो 564 भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 64 डिवाइड है क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 24 भी 4 से डिवाइड है, 4 से 24 तो 15, 24 भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, पीछे 64 है। अब क्या है, देखो 5 वाला रूल देख लो, 5 में क्या है, लास्ट डिजिट में जो कोई संख्या दी होती है उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या है। जो 550 में 0 है तो ये 5 से हो जाएगी, इसमें 5 है तो 55 से हो जाएगी, मतलब पीछे इकाई का अंक जो 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। बस अगर 5 और 0 नहीं है पीछे तो 5 से डिवाइड वो संख्या नहीं होगी। अभी आपको मैंने बता दिया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है, इनको अप्लाई करना है, ठीक है, सॉल्यूशन में। चलो नेक्स्ट अभी चलते हैं 6 का। 6 का वैसे कुछ नहीं है, 6 का डिवाइड क्या किया हमने, 6 को 2 और 3 में तोड़ दिया, 2 और 3 वाला रूल लग गया 6 में। अगर कोई भी संख्या में 2 और 3 वाले दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं तो मान लेना कि वो संख्या 6 से भी कट रही है, ठीक है।
अगर कोई संख्या दो और तीन से कट रही है तो वह संख्या छह से भी कट रही है, ये सोच लेना। दो और तीन से कोई संख्या विभाजित है तो वह छह से ही विभाजित होगी, ठीक है? समझाए? देखो, जैसे मान लो 36 है, ये दो से कट रही है क्योंकि इसमें पीछे छह है, सम संख्या है, और तीन से भी कट रही है क्योंकि इनके अंकों का योग 36, 9, 9 3 अंकों का योग तीन से कट रहा है, इसलिए तो ये छह से भी कट जाएगी, 6 संख 36 छह बार, ठीक है? आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा छह वाला रूल भी। अभी चलते हैं सात पे, सात की तरफ। देखो, सात बार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लगता है बंदों को टिपिकल, लेकिन इसका प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं है, आराम से आता है समझ में। देखो चलो, यदि संख्या, ये सात वाला रूल है, यदि संख्या तीन से, यदि संख्या तीन डिजिट की है, मतलब जैसे 343 दी हुई है तीन डिजिट की, 1 2 3, तो लास्ट डिजिट को डबल करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं, ठीक है? ऐसे करते हैं। देखो 343 है, ये तीन डिजिट की संख्या है, तो लास्ट वाली संख्या कैसे में तीन, इसको डबल करके बची संख्या में से घटा देंगे। देखो कैसे करेंगे, 343 में लास्ट डिजिट संख्या कितने, तीन, बचा कितना, 34, और तीन का किया डबल, तीन का किया डबल हो जाएगा, तीन का डबल कितना हो जाएगा, छः, नहीं तीन का डबल नहीं, तीन 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 का बरक बरक करते हैं, क्या लगा है, बरक करते हैं, इसमें डबल नहीं होता है, बरक होता है, तो इसमें से 9 कटा देंगे। देखो तीन तीन का बरक 9 हो जाएगा, 9 इसमें से कटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा ना, 25 बच जाएगा इसमें। दोस्तों देखो ये यार, इस डाउट डबल को देख के डाउट हो गया मुझे भी, ठीक है? इसमें डबल ही होगा कि क्या हो रहा है, तीन का डबल, पीछे तीन है तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 28 बच जाएंगे, 28 कितने बचेगा, 28, 28 ये 7 से डिवाइड है ऑलरेडी, ठीक है? 7 6 28, 4 बार इसका, इस संख्या का डबल किया, इसमें से घटा दिया शेष में से, वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये तीन डिजिट की संख्या है, तो अगर चार की है तो देखो, चार की है, पांच की, जो भी है, तो क्या करेंगे, यदि संख्या तीन डिजिट से ज़्यादा डिजिट की है तब पहले उस संख्या को तीन डिजिट की बना लेते हैं, ठीक है? देखो क्या करते हैं, मान लो 27 44, ये चार चार डिजिट के, 1 2 3 4, इसको तीन की बना लेंगे पहले। क्या करना है इसमें, देखो तीन डिजिट की पीछे वाली तीन हो गई, बची कितनी, दो, दो को क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, देखो यहाँ कर दो सीधा माइनस, तो कितना बचेगा, इस दो को यहाँ से उठाएंगे, इससे जो तीन डिजिट की संख्या है इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 742 बच जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पूरी संख्या में से नहीं, ओनली ये तीन डिजिट की संख्या हमको बनानी है इसको, तो तीन डिजिट की संख्या 744 ले ली, इसमें से जो आगे वाला है दो, इसको घटा देंगे, बचेगा 742। अब वही सेम रूल लगा देंगे, पीछे वाली संख्या का डबल करके इसमें से घटा देंगे, दो है, दो का वर्ग चार, दो का वर्ग, दो का डबल चार हो जाएगा, फर्क नहीं डबल, ध्यान रखना फर्क नहीं करना, डबल करना है, दो दूनी चार, चार इसमें से घटा देंगे शेष संख्या में से, 74 में से चार गए तो 70, 70 चार 70 है जो 7 से डिवाइड है ऑलरेडी 10 बार, ठीक है? आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो अभी एक और देख लो, इधर 13 265 है ये, इसमें देखो ये इसमें 5 संख्या है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, क्या करेंगे, पीछे वाले तीन ले लेंगे, तीन लेके पीछे और जो बचा कितना, 13 13 को तीन में से घटा देंगे, कितना बचेगा, देखो 5 में से 3 गए तो आपको दिख रहा है, ठीक है? 5 में से 3 गए तो दो, क्या बच गया, 5 2 252, 252 बचा, 252 ये है, ठीक है? सॉरी फ्रेंड, 252 में से पीछे वाला कितना है, दो, इसका कर दो दोगुना, डबल कर दो 4, और शेष संख्या बची 25, 25 में से 4 को घटा दो, कितना बचेगा, 21, 21 है जो 7 से डिविजिबल है आंसर, ठीक? मतलब ऐसे आप चेक कर सकते हो कि ये बड़ी वाली संख्या, इतनी बड़ी संख्या को 7 से भाग देने की बजाय आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो भाग दे दो, नहीं है तो उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो 1400 है मान लो, और इसमें आपको चेक करना है कि 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 डिजिट की संख्या है, तो क्या करेंगे, तीन की बनाया,
बच्चा एक एक क्विज में से घटा दिया, कितना बच गया, 400 में से गया तो 399 बच गया, 399 बच गया। अब पीछे वाली संख्या क्या है, एक ए सॉरी 9, 9 का किया डबल, 9 दुनी 18 और शेष बची कितनी 39, और 39 में से 18 कर दो माइनस, 9 में से 9 में से 8 गया तो एक, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, और 21 7 से डिवाइड है कि नहीं है, है 3 बार, तो मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपकी समझ में ये सब मेथड आ रहे होंगे आराम से। अगर दोस्तों मेरे समझाने का मेथड आपको समझ में आ रहा है, आपको और भी कोई क्यूरी है तो कमेंट करें, कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका, अगर मैं देखो मैं भी एक इंसान हूँ दोस्तों, मिस्टेक हो जाती हैं। आज मेरे भाई ने एक ने मेरा जो मेरा व्यूअर्स है, मेरा भाई है, उसने बताया था कि भाई आपसे ये मिस्टेक हुआ है, थोड़ा इसको सुधारिए, तो मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में ही आपको वो बता दिया था, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है तो मेरे को बताएं, मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। उससे क्या है ना, जो भी वीडियो देखेगा उसको भी फिर लगेगा यार इसने गलत बताया सही बताया, वो भी गलत सीख जाएगा उससे, ठीक है। इसलिए दोस्तों कम से कम अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके बता दिया करें प्लीज़, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन वाले घंटे को दबा लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्या है, 7 के बाद क्या आएगा, 7 9 आएगा अभी देखो, ठीक है, 8 आएगा, फिर 11 भी आएगा, चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों डिवाइड बाई 8 मतलब 8 का भाग किस किस संख्या में जाएगा, ये इसमें बताया गया है। किसी भी संख्या मान लो कोई भी, उसके पीछे के जो लास्ट 3 डिजिट हैं उसमें अगर 8 से डिवाइड, वो संख्या वो लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। मान लो 1648 दिया है, अगर ये देखो इन 3 संख्याओं को चेक करो, 8 का भाग देंगे तो बाकी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, उसमें 8 से भाग चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1648 दिया है तो देखेंगे यार ये 8 है पीछे, 2 8 है सम संख्या है तो इसमें 2 का देंगे भाग, फिर सम संख्या के पीछे फिर 2 को 2 का देंगे, फिर 2 2 का देंगे, ऐसे करते रहते हैं। उससे अच्छा आप दोस्तों देख लो कि इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो फिर 4 का देख लो, 4 से जा रहा नहीं जा रहा, 48 में देख आप चेक कर सकते हो, 48 में नहीं जा रहा है तो फिर तो एक ही ऑप्शन है, 8 पीछे तो 2 2 का भाग दे लो। इसमें क्या है, 8 वाला मैं बता रहा हूँ, अगर पीछे में 448 है मतलब पीछे में जो 3 संख्या दी हैं लास्ट वाली 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 8 2 64 8 1 8 मतलब लास्ट वाले 3 डिजिट हैं 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो 1648 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार चेक कर लें, देखो 16 में देंगे 8 2 16 ख़त्म, 4 4 में नहीं जा रहा, 8 तो लिया, 8 6 48 चला गया 8 का पूरा, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें 3 656 को अगर 8 से भाग हम दे के देखते हैं, देखो 8 2 64 1 बजेगा 16 हो गया, 8 2 16 चला जाएगा इसमें भी। इसमें 328 है देखो, 328 में 8 6 32 8 1 8 मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, सीधा सीधा 8 से काट दो इसको, ठीक है। अब इतनी संख्या, इतनी बड़ी संख्या को मान लो आप 2 से काटते, फिर 2 से काटते, फिर 2 से काटते कितना टाइम लगता है, उससे अच्छा है तीनों को चेक किया 8 से भाग जा रहा है 8 से सीधा काट दो। तो इस चीज़ को हैबिट में लाना आपको, ठीक है। सॉल्व जो जो भी आप सॉल्व क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे इन सबको यूज करना है, ठीक है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको ये, ठीक है। 9 अभी देखो 9 का किन किन संख्या में भाग जाएगा, 9 का और 3 का रूल लगभग सेम लगता है मुझे। देखो संख्या के अंकों का जो अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, मतलब संख्या के अंकों का योग, मतलब उन जो संख्या दी है उनके अंकों को जोड़ लें और वह अगर 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर योग पूरा 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 3 में और 9 में ये सेम सा लगता है आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो योग, इसमें योग 9 से कट रहा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 3 वाला भी रूल इसमें लग जाएगा, इसमें तो लग जाएगा लेकिन ये 9 वाला रूल उस 3 वाले में नहीं लगेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इस बारी 729 का देखो योग कितना आ रहा है, 9 9 18 हो रहा है, 18 3 से भी कट रहा है 9 से भी कट रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें यही है कि इनके योग का
योग को देखते हैं। योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो वो 9 से 3 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है भैया, ठीक है। अब देखो हम जी मैंने क्या बताया था आपको, योग की जगह पर हम सीधा उसका डिजिटल सम निकालते जाते हैं, मतलब 9-9 को काटते जाते हैं, जो शेष बचता है उसमें भाग दे के देख लेते हैं कि उस संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसी के आधार पर हम निकाल लेते हैं। योग मतलब जोड़ने में भी टाइम लगता है ना, जैसे मान लो ये बड़ी संख्या दी, इसको जोड़ने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, इससे क्या हम 9-9 काटते जाएंगे और निकाल लेंगे। देखो 7 और 2 9 और 9 पूरा पूरा गया, मतलब संख्या का 9 से भाग जा रहा है, 9 8 1 9, 7 और 2 9 गया पूर्व भाग जा रहा है, 7 और 2 9, 3 और 1 4 5 9 गया पूर्व जा रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, 3 3 9 ये बचेगा 2, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, इन तीनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं, या फिर ना आप जोड़ना है तो जोड़ लो, देखो 9 7 और 2 9 9 9 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, देखो 9 9 18, 18 9 2 27, 27 में 9 का भाग जा रहा है, देखो 9 9 18, 18 में 27, 18 में 9 का भाग जा रहा है, देखो 9 9 कितना 18 और 2 20, 20 में 9 का भाग नहीं जा रहा है। आशा कर रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अभी देखो 11 वाला क्या है, 11 वाला लफड़ा क्या है, कुछ नहीं है, ऑड और इवन का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, मतलब जो संख्या दी है उसके ऑड नंबर और इवन नंबर, मतलब सम और विषम, मतलब जैसे ये बड़ी वाली संख्या समझा दो, एक को छोड़ के एक, मान लो ये फिर मान लो यहाँ पर और होती, कोई ये एक को छोड़ के एक संख्या को अगर अलग अलग जोड़ लिया जाए तो उनका अंतर 0 हो या फिर 11 हो तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, कितने से, 11 से। देखो 3 और 1 4 और ये कितना 4, 4 4 का अंतर 3 और 1 4 और ये कितना 4, अंतर 0 डिवाइड हो जाएगी। देखो कितना होगा, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 2 और 4 6 6 सॉरी 2 और 4 6 6 और 6 12 हो रहा है, ठीक है, 12 और 7 5 12, माइनस 12 0, मतलब ये भी हो रही है। और देखो 5 और 1 6, 5 5 10 और 11, माइनस ये कितना 8 और 3 11, 0 ये भी हो रही है, ठीक है, अंतर या 0 आया या फिर 11 आए, ठीक है, तो मतलब वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। अब मान लो आपको एग्जाम में एलडीसी में ऐसे आते हैं, ठीक है, मान लो कोई लंबी सी संख्या दे देगा, पूछ लेगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप 4 ऑप्शन देगा, चारों को आप भाग देंगे 11 11 से, हर बार चारों संख्याओं में आप 11 से भाग देंगे तो कितना टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है, उसमें यही लगाना है, करके देखना है कि अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको टिक कर देना है फटाफट। अभी देखिए सिंपलीफिकेशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4 से पूर्ण विभाजित होगी, अब ये संख्या दी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 से पूर्ण विभाजित होगी, अब हम इन संख्याओं में 4 से भाग देने बैठ जाएं तो कितना टाइम लग जाएगा फालतू का। हमको हमको पता है कि 4 से विभाजित संख्या कौन सी होती है, जिसके पीछे की 2 इकाई के अंकों अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखो पहले वाला देखो, 48 4 1 4, 4 2 8 भाई हो रहा सीधा सीधा, तो आंसर हम यहीं पर टिक कर देंगे खटाक से, ठीक है। यहाँ देखो नहीं हो रहा, यहाँ देखो नहीं हो रहा, यहाँ देखो नहीं हो रहा, ठीक हो, इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार दो दरी। अब देखो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 6 से पूर्ण विभाजित होगी, कौन सी संख्या होगी 6 से पूर्ण विभाजित होगी, 6 का मैंने आपको बताया था, 6 को हम तोड़ देते हैं 2 और 3 में, अगर 2 और 3 के रूल को फॉलो जो संख्या कर रही है तो वो 6 को भी करेगी, मतलब 2 और 3 से जो संख्या कट रही है वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, पीछे सम संख्या है तो 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, ठीक है, बचा 3, 3 का भाग क्या देखते हैं हम, पूरा अंकों का योग, अगर 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब देखो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3, पूरा पूरा कट गया, मतलब आंसर पहले ही आ गया, इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे करना आपको, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एलडीसी में, पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी
और देखो मेरे पास व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है अभी आपके पास, आपको पता है ठीक है, लेकिन कंटेंट को आप देखो ठीक है, मेथड को देखो, वो चीज़ें एग्जाम में वही काम आएगा। ये क्वालिटी और ये सब स्टाइलिश पढ़ाना ये सब कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है, उसका कंटेंट पे ध्यान दो बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 9 से विभाजित होगा, 9 का क्या रूल था? ऑप्शन 3 3, इसमें 9 से भाग देने बैठ जाए हम तो कितना टाइम लग जाएगा ठीक है। 9 से क्या है, सीधा सीधा इनका योग, अगर 9 से विभाजित है तो इस संख्या भी 9 से विभाजित होगी। हम योग भी नहीं निकालेंगे, हम सीधा 9 9 काटते जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 4 5 6 नहीं हो रही विभाजित पूरी। 3 और 4 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 बच गया नहीं हो रही है। 7 8 9, 8 और 1 9 हो गई आंसर ठीक है। मतलब 10 सेकंड भी नहीं आ रहे हैं, मतलब इतना लग रहा है आप 5 सेकंड 10 सेकंड जा जाता बस ठीक है। अब देखो 281 92 87 को 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, क्या दिया है 281 92 87, ये संख्या दी है, इसको हम अगर 9 से भाग देने बैठे हैं तो कितना शेष बचेगा। और देखो कितनी लंबी संख्या है, इसको 9 से भाग दो फिर कितना शेष बचेगा ठीक है। फिर भी इसमें टाइम लगेगा, देखो क्या करेंगे, सीधा 9 9 काटते जाएंगे। हमको पता है 9 का भाग किस किस संख्या में जाता है, कि उनके अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो सीधा सीधा 9 9 काटो, देखो 8 और 1 9 9, 7 और 2 9 और 8 और 2 10, 10 में से 9 गए तो कितना बच गया शेष, 1। कितना शेष आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा ठीक है जी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या है इन चारों में से जो 11 से भाज्य होगी, मतलब 11 से कौन सी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो अब 11 का सब चारों संख्या में भाग दोगे तो भाई आराम से 5 मिनट तो कम लगना ही आपका। तो देखो क्या करेंगे, 11 का रूल आपको पता है पहले से ठीक है। देखिए दो और 5 7, 7 और 3 8 माइनस 3 और 2 5, 5 और 6 11, अंतर ना ना तो 0 आ रहा ना 11 आ रहा ठीक है। कितना आ रहा, 3 आ रहा, वो हटाओ कोई नहीं होगा, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 3 और 2 5, 5 और 7 12, ये भी नहीं होगा दोबारा इसमें ठीक है। अब देखो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 3 और 5, 5 और 5 10, अंतर 0 आंसर हो गया यही। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं करके बता देता हूँ ठीक है। देखो 2 और 5 7, 7 7 और 3 10, 3 और 2 5, 5 और 8 13, नहीं आ रहा आंसर, क्या हो जाएगा सी। ऐसा करता हूँ आपकी समझ में सेशन आ रहा होगा दोस्तों, सेशन समझ में आ रहा है तो फिर वही शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन वाले घंटे को दबाओ। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 4 ऑप्शन दिए, 12 का भाग देते रहो चारों में। देखिए 12 का तो मैंने आपको कोई रूल बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, देखो इतना तो यार आप भी दिमाग लगा सकते हो। 12 का क्या है, 4 3 12, जो 4 का और 3 का रूल फॉलो करें वो 12 का भी रूल फॉलो करेगी, मतलब जो जिन संख्याओं में 4 और 3 से भाग चला जाएगा उस संख्या में 12 से भी भाग चला जाएगा। 12 को तोड़ देंगे हम, 12 को तोड़ देंगे 4 और 3 में, 4 3 12 होता है ना, तो 4 और 3 वाला रूल चेक कर लो, मतलब 12 का भी रूल चेक हो जाएगा उसका मतलब ठीक है। तो 56 में 4 से जा रहा है ठीक है, 3 से जा रहा है, 9 6 3 9 1 नहीं जा रहा है, 52 में 4 से जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा 4 से, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं जा रहा 4 से, तो ये भी नहीं होगा ठीक है। तो 50 ये होगा शायद, देखो
नौ नौ और तीन चार पाँच छः, छः में तीन का भाग जा रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था नहीं, देखो नौ कट गया, नौ तो नौ एक बज रहा था तो ये आंसर ये हो जाएगा। देखो नौ कितना बचा, तीन और एक चार पाँच छः, छः में भाग जा रहा है तीन का, तो चार का जा ही रहा था, तीन का भी जा रहा है तो इसमें बारह का भी भाग जाएगा। चेक कर सकते हैं, देखो अगर बारह का भाग इसमें देंगे पूरे में तो देखो तेरह में देंगे तो बारह के बारह एक बचा चौदह हो गया, चौदह में देंगे एक बार बारह दो बचा पच्चीस हो गया, पच्चीस में बारह दूनी चौबीस, एक बारह हो गया, बारह के बारह पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक्स फोर फाइव सिक्स टू में नौ से पूर्णतः विभाजित है तब एक्स का मान क्या है, मतलब ये कोई संख्या दी है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये पूछ रहा है कि वो पूर्णतः नौ से विभाजित हो जाए, ये संख्या पूरी है जो नौ से विभाज्य है, नौ से भाग जा रहा है इस संख्या में, तो यहाँ पर कौन सी संख्या है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है नौ का रूल, टोटल संख्या में अगर नौ से टोटल जो संख्या है उसके अंकों का योग, जो टोटल होगा उसका योग होगा, उस अगर योग नौ से कट जाए तो संख्या भी नौ से कट जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, पाँच चार नौ, नौ और छः सात आठ, आठ अगर यहाँ पे एक आ जाए तो नौ हो जाएगा पूरा, नौ से नौ कट जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा कि संख्या पूरी नौ से कट जाएगी। तो आठ तो ये हो रहा है, आठ हमको नौ बनाना है, तो यहाँ पे एक्स की हम पे क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे तो नौ हो जाएगा, नौ से नौ कट जाएगा। देखो अगर यहाँ पे एक हो जाएगा, आपको चेक करा देता हूँ, अगर यहाँ पे एक है तो देखो कितना हो रहा है, नौ नौ अठारह, अठारह में नौ का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छः से विभाज्य कौन सी संख्या है, छः का रूल क्या बताया था, दो और तीन, दो और तीन से चेक कर लेंगे, दो से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तीन से देखो नौ छः और तीन नौ, दो नहीं जा रहा, नौ आठ और एक इसमें से लगा तो नौ, इसमें छः छः बारह, बारह बारह में तीन के भाग जा रहा है, आंसर यही हो जाएगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, देखो नौ सात और दो नौ, सात और दो नौ, छः पाँच ग्यारह में तीन, ग्यारह बचे ग्यारह में तीन का भाग नहीं जा रहा है, वही आंसर होगा। देखो फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, देखो सात और दो नौ, छः और तीन नौ, चार बचा, चार में तीन का भाग नहीं जा रहा है, आंसर क्या हो गया ये, क्योंकि देखो दो का रूल फॉलो कर रहा है, आठ में भाग दो का जाता है तो ये संख्या मिल जाएगा, और तीन, और तीन का चेक करें तो देखो पाँच और चार नौ कट गया, आठ और एक यहाँ से लगा दो नौ गया, बच गया छः, छः और छः बारह, बारह तीन से कटता है तो तीन का भी रूल फॉलो हो गया, तो दो का और तीन का रूल फॉलो पूरी संख्या कर रही है तो वो संख्या छः का भी रूल फॉलो करेगी, तो मतलब छः से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो देख के बता देता हूँ मैं आपको, छः का भाग चार में जाएगा नहीं, पैंतालीस ले जाएंगे, छः छः छत्तीस, चौसठ बयालीस, बयालीस ले लिए बचे तीन तो कितने हो गए, छत्तीस हो गए, छः छः छत्तीस पूरा गया, छः एकन छः अठारह बचे, छत्तीस अठारह पूरा भाग गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारह से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, वही आगे बारह वाला, बारह को क्या करेंगे, चार और तीन में तोड़ देंगे, भाई इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। ठीक है, और चार और तीन का चेक कर लो, चार चार का इसमें जा रहा है, चार का इसमें भी जा रहा है, चार का इसमें भी जा रहा है, चार का इसमें भी जा रहा है, चार का सब में जा रहा है, तो तीन का किस किस में नहीं जा, किस में जा रहा है, देखो वही आंसर हो जाएगा, बारह से विभाज्य पूछना। तो देखो छः और तीन नौ आठ, और आठ सोलह, और चार बीस, बीस में तीन का नहीं जा रहा है तो ये तो होगी नहीं, आठ और एक नौ, सात पाँच बारह, बारह और छः अठारह, अठारह में तीन का भाग जा रहा है तो ये संख्या हो जाएगी, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो नौ पाँच चार नौ, आठ और दो दस, दस और चार चौदह, चौदह में तीन का भाग नहीं जा रहा है, छः तीन नौ कितना बचेगा, चार पाँच छः सात, इसमें भी नहीं जा रहा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पीछे कितना, सोलह चार का जा रहा, तीन तीन का चेक किया था मैंने आपके सामने, देखो आठ और एक नौ कितना बच गया था, सात पाँच बारह छः अठारह, अठारह में तीन का भाग जा रहा है, तो मतलब चार का और तीन का रूल फॉलो ये संख्या कर रही है, तो मतलब चार का और तीन का भाग इस संख्या में जा रहा है तो बारह का भी भाग इस संख्या में जाएगा। देख के बताता हूँ, देखो बारह तीस छत्तीस, बारह छः को अड़तालीस, बारह पंच साठ, बारह छः को अड़तालीस, अड़तालीस उनचास पचास, नौ अट्ठानबे हो गए,
98 हो गए, 12 56 बाईस, 62 84, 12 98 छानवे बच गए, 2 21 हो गए, 12 1 12, 21 12 9 बजे, 96 हो गए, 12 98 96 पूरा गया। ठीक है, अब संख्या दी है x3 4 5 1, ये संख्या बोल रहा है कि वो 3 से विभाजित है, ये पूरी संख्या में 3 से भाग रहा है, तो x के संभव मानों का योग कितना होगा, मतलब 3 से ये संख्या विभाजित है, तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ जाए कि ये संख्या पूरी जो बने वो 3 से विभाजित हो जाए, और जो जो संख्या आएगी यहाँ पे उन सब संख्याओं का योग पूछा उसने। तो देखो 3 का योग क्या, 3 का रूल क्या था, इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 5 4 9, 3 और 1 4, 4 हो गया, अब 4 से आगे कितना इसमें जोड़ेंगे ये 3 से विभाजित हो जाए, एक तो देखो 2 जोड़ दो, यहाँ पे 4 हो रहा है, 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 3 से विभाजित हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, 6 से आगे 7 8 9, 9 आ रहा है, मतलब 4 4 को 9 बनाएंगे तो उसमें 5 जोड़ेंगे, एक बार यहाँ पे 5 रख देंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, तब भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हमको एक अंक ही लिखनी है बस। ठीक है, तो 2 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 5 हम यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, और एक और आ जाएगी यार, 8 आ जाएगी, यहाँ पे देखो 8 आ जाएगी, 8 लिखने से क्या होगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 भी 3 से डिवाइड होती है, 9 लिखेंगे से 9 से नहीं होगा, 9 4 13 होते हैं, 7 लिखेंगे तो 7 से भी नहीं होगा, 7 और 4 11 होते हैं, 8 लिखेंगे तो 8 से हो जाएगा, 8 और 4 12 होते हैं। ठीक है, तो 3 संख्या संभव है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर 2 लिख दें तब भी ये 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, और 5 लिख दें तब भी ये 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर 8 लिख दें एक्स की जगह पे तब भी ये पूरी संख्या बनेगी, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब उसने जो संख्या लिखनी है तीनों संख्या का योग पूछा है, तो इन संख्या को जोड़ दो, 8 5 13 और 2 15, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा सेशन। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है तो वही शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन। चलो ठीक है, अभी यहाँ से आगे दोस्तों लेंगे हम पार्ट 3 में, सिंपलीफिकेशन के पार्ट यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, अब अगला भाग आएगा कल, पार्ट 3 सिंपलीफिकेशन का पार्ट 3। दोस्तों अगर आप ये पार्ट 2 आया है, इसमें आपको समझ में कुछ पड़ा है, पल्ले पड़ा है, एक बार में नहीं आएगा समझ में। दोस्तों अगर आप नए हैं, अगर थोड़ा थोड़ा मैथ में आप कमज़ोर हैं आपको लगता है, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको अगर आपको एक बार में 30% समझ आ रहा है, तो दोबारा में आपको पक्का वो 50% को क्रॉस कर जाएगा 100%। ठीक है, इसलिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें, आपकी समझ में 100% पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर दोस्तों चलते हैं, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है, समझ में कुछ आ जाए, आपको दिल से लगा कि हाँ भाई बंदे ने कुछ सिखाया है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बस इतना ही होता है। चलते हैं दोस्तों, बाय, गुड नाइट।